कॉन्ट्रोवर्सी ना मंजूर ना मंजूर पिज्जा बर्गर हाय हाय टॉक टॉक शो बाय बाय पिज्जा बर्गर हाय हाय टॉक टॉक शो बाय बाय कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हसन हाय 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 टॉक टॉक शो बाय बाय कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चलेगी क्या हो गया भाई क्यों मेरा शो बंद कराने पे तुली हुई है आपसे तो मैं दो दो हाथ करने आई हूँ आज क्यों क्यों आपने क्या ये चलाया हुआ है क्या मैंने क्या किया है सारे एक्टर्स को एक दूसरे के खिलाफ करते हैं उनसे पर्सनल सवाल पूछते हैं वो खुद आके सवाल पूछने बुराइयां करवाते हैं आग लगवाते हैं आप इंडस्ट्री में एक सेकंड यार यार आप हैं कितनी खूबसूरत पहले ये तो बताएं थैंक यू लेकिन आप टॉपिक से मत हटे आपने ये क्या लगाया हुआ है हर एक्टर को दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं लड़ाइयाँ करवा रहे हैं आग लगवा रहे हैं पर्सनल सवाल पूछते हैं आप क्यों आई एम सॉरी सॉरी क्या कहने के अगर मैं पूछता हूँ तो लोग बता के क्यों जाते हैं तो आप प्रेशराइज करते हैं नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा है आपका कद कितना है मेरा ज्यादा नहीं है है अभी तो हील पहनी हुई है यार हम साथ में कैसे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं ऐसे पोज जी अच्छा हाँ सॉरी मैं मेरे दिमाग में अभी भी एक आइडिया है जी बताएं आप क्योंकि आप आ गई हैं टॉक टॉक शो के सेट के ऊपर जी और माशाल्लाह क्योंकि आप इतनी हसीन हैं थैंक यू मैं बात करते करते भूल रहा हूँ आज एक सेकंड हाँ मैं कह रहा था कि आप क्योंकि इतनी हसीन है और आप टॉक टॉक ऐसे ना देखे ना क्यों देख रही है अरे आप आई कॉन्टेक्ट भी नहीं करूं अच्छा हाँ जरूर करें आप ना क्योंकि आज आप टॉक टॉक शो के सेट पे आ गई हैं और क्योंकि आप इतनी हसीन हैं तो क्यों ना हम दोनों बैठ के यहाँ पे गपशप करें अच्छा। और शो के इख्तिताम पे आप मुझे बताएं कि मैं ऐसे कुछ सवाल पूछता हूँ जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है आपको पता है ना ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्या फ्लर्टिंग है, है? मैं फिर भी ऑनेस्टली ओपिनियन दूंगी हाँ ठीक है डन लेडीज एंड जेंटलमैन द सुपर टैलेंटेड द सुपर गॉर्जियस द सुपर मॉडल आमना इलियास आए बैठे आमना पता नहीं मैं क्यों ऐसे देखता हूँ आप मेरी आंखों में जब देख रही होती हैं तो एकदम पॉज आ जाता है मुझे अक्सर लोगों ने ये ऐसा होता है आपके साथ और भी होता है हाँ बहुत होता है बहुत तो नहीं होता लेकिन हुआ है दो चार क्या कह रही आवाज नहीं आ रही हाँ अब सही आ रही मैं कह रही थी हसन दो चार बार हुआ है ऐसा अच्छा कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड मैं उनकी आंखों में देख रही थी बहुत गौर से सो पीपल टेंड टू फॉरगेट व्हाट दे आर सेइंग जस्ट लाइक यू हाँ और बताएं ना मुझे ये पता चला है कि आप अकाउंटेंट बनना चाहती थी हाँ मैं अकाउंटेंट बनना चाहती थी मैं एक सेकंड यार एक सेकंड के लिए आप सोचें कि अगर आमना इलियास आपकी अकाउंटेंट होती बिजनेस की भी होने सी फिर वैसे ऐसा कुछ नहीं होता क्या मतलब पता है क्यों क्यों क्योंकि मेरी रियल लाइफ में मैं आज तो बहुत तैयार होकर आई हूँ हसन शो के लिए बट जनरली मुझे लोग पहचानने से कभी कभी इनकार भी कर देते मैं तो मान ही नहीं सकता या तो कुछ जादू वाला आप तैयार होकर आई हैं कोई असल में ये है कि मैं अपनी रियल लाइफ में मेकअप बहुत कम करती हूँ बल्कि ना होने के बराबर करती हूँ बाल कस के बांध के अगर जो भी एरेंड्स होते हैं बैंक जाना है या कोई ऐसा काम है जो खुद से करना है जरूरी चले ना किसी दिन कॉफी चाय के लिए चलते हैं ठीक है आपके लिए तो मैं इतना ही तैयार होके आऊंगी है आपके लिए तो इतना ही तैयार होके आऊंगी ठीक है अच्छा हाँ सॉरी अकाउंटेंट आप अकाउंटेंट बनते बनते सुपर मॉडल कैसे बन गई बस अल्लाह का करम है मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है I was studying, I was in school, और मेरी बड़ी बहनें असल में मॉडलिंग करती थी दोनों बहनें जी सलमा इलियास एंड उज़मा इलियास एंड थैंक्स टू देम जिन्होंने मुझे ये करियर पाथ एक दे दिया तो आई वॉज इन मेट्रिक वन आई स्टार्टेड तो छोटे मोटे मैं शूट्स कर लेती थी एंड अपेरेंटली आई वॉज वेरी गुड एट इट अपेरेंटली फैशन में ना अक्सर लोगों को ना फोटोग्राफर्स को सामली सामली पतली पतली ना लड़कियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं सो आई वॉज वेरी थिन एंड आई वॉज टैन एंड तो बस उससे शुरू हुआ फिर मैंने इंटर तक जब मैं गई तो मैंने सोचा कि मैं अकाउंट्स पढ़ रही थी सोचा था बैंकर बनूंगी ये काम नहीं करना ये बड़ा मुश्किल है रोज मेकअप लगाना पड़ता है थ्रेडिंग करानी पड़ती है आई हेट थ्रेडिंग सो आई हेट थ्रेडिंग आई हेट वैक्सिंग अगर ये कोई काम ना हो तो मैं शायद कभी ना करूँ बड़ी मेहनत लगती है इस काम में स्क्रीन पर आने से पहले बड़ा काम करना पड़ता है अपने ऊपर सो बट देन ऑब्वियसली थिंग्स turned out really good for me financially
प्रोफेशनली, देयर वाज सो मच अप्रिसिएशन. और फिर ये काम ऐसा है कि वंस यू एंड इफ यू आर गुड एट इट, इफ यू आर गुड एट मॉडलिंग एंड इफ यू आर मेकिंग गुड मनी, सो वो चलते चलते वो फिर कहीं खो गया अकाउंटेंसी का. कोई बात नहीं, माशाल्लाह आपने बड़ा काम किया उसके बाद. मॉडलिंग आपने की, आपने फिल्मों में काम किया, आपने ड्रामों में काम किया. बट मैं जब देख रहा था आपका करियर ग्राफ या आपके प्रोजेक्ट्स, आपने फिल्मों में ड्रामों में लगभग सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स किए. क्या वजह है कि टेलीविजन में आपने नहीं सोचा कि यार मैं मज़ीद ज़्यादा ड्रामे करूँ? नहीं, ऐसा नहीं कि सोचा नहीं है. टेलीविजन में करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा और उम्मीद है कि अब करूँगी. बट कोविड टाइम में और इसमें मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, दैट्स आई बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि उससे पहले बाजी भी रिलीज हुई थी और फिर जब बाजी शूट की तो 2 साल तो आपको पता है एक फिल्म ही ले जाती है. सो देन प्रमोशन एंड ऑल ऑफ दैट, और उसके साथ साथ फिर मेरी दूसरी फिल्म भी आई रेडी स्टडी नो. तो मेरी कुछ चीज़ें बहुत बैक, फिल्में मेरी एक्चुअली बैक टू बैक आई, जिसकी वजह से आई वॉज मिसिंग ऑन टीवी स्क्रीन.